हम लोग जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सारे फंक्शन के बारे में देखा था, बट राउंड फंक्शन के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा था। ओके, बिकॉज इसमें डेसिमल डेटा टाइप का होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अब मैं आपको राउंड फंक्शन के बारे में बताता हूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जब आप प्राइस के साथ या फिर अमाउंट के साथ डील करते हैं तब। ओके सर, राउंड फंक्शन क्या करता है कि ये तो सबसे पहले दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक में प्राइस, सॉरी, एक में कॉलम का नाम कि किस कॉलम को आप राउंड करना चाहते हैं, दूसरा में डेसिमल, यानी कि कितना आपको डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहिए, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको चाहिए, वह हम लोग यहाँ लिखते हैं। सेकेंड पैरामीटर, सेकेंड वैल्यू इस पैरामीटर के, ठीक है। सो फंक्शन इज यूज टू राउंड द न्यूमेरिक फील्ड टू द नंबर ऑफ डेसिमल स्पेसिफाइड। प्रैक्टिकली इसका देखते हैं, ये बिकॉज थ्योरी में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके हमारे पास टेबल है, हमारे पास टेबल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में ही शायद हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। ओके ओके ये है, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको राउंड अप करके लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूँ सिलेक्ट प्राइस ओनली, या फिर सिलेक्ट आप ऑल भी कर सकते हैं, आप यहाँ कॉमा देंगे, देन आप लिखेंगे कीवर्ड राउंड। इसमें आप प्राइस को करना चाहते हैं राउंड, तो आप प्राइस कॉलम का नाम लिखेंगे यहाँ। देन आपको डेसिमल के बाद मुझे यहाँ एक्चुअली दो डिजिट्स हैं, ठीक है, दो डिजिट्स हैं, मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, एक से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक, आपने एक लिखा तो ये एक आएगा, बट ये राउंड अप करता है, जैसे कि यहाँ फाइव है तो इसको ये सिक्स कर देगा, यहाँ सिक्स है तो इसको सिक्स कर देगा, यहाँ टू थ्री है तो ये थ्री है तो यहाँ टू ही रहेगा, बिकॉज राउंड अप का जो अपना प्रोसेस होता है वो तो आई थिंक आप लोग जानते हो, जानते ही होंगे, ठीक है। मतलब मेरे कहने मतलब अगर वन से फाइव के, वन से फोर के बीच में आता है तो जैसे कि यहाँ वन आए, टू आए, थ्री आए, फोर आए, तो ये टू ही रहेगा, लेकिन ये फोर से अगर फाइव हो जाता है यहाँ, तो इसको हम राउंड अप करते तो ये यहाँ थ्री हो जाएगा, अगर सिक्स रहेगा तो यहाँ फिर ये थ्री हो जाएगा, सेवन रहेगा तो ये फिर यहाँ थ्री हो जाएगा। ये सारी चीज़ तो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके सो नाउ सेलेक्ट ऑल राउंड इतना फ्रॉम टेबल का नाम प्रोडक्ट। ओके इंटर प्रेस करते ही आप यहाँ राउंड अप में जो वैल्यू है उस वैल्यू को देख सकते हैं, 6602। ओके सो इस तरीके से आप इसको आप एज लगा कर यहाँ कोई भी न्यू प्राइस या फिर राउंड अप प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ बस आपको एज लिखना है और कोई इसका एरियाज क्रिएट करके, मतलब इसका कोई और नाम देना है, निक नेम देना, ठीक है। सो इस तरीके से आप राउंड का यूज़ कर सकते हैं। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।